हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लिसनर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज अप, जिसमें आप इंग्लिश सीखते हैं सेंटेंसेस के द्वारा, यानी हिंदी विद इंग्लिश। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, लेट मी टेल यू वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस पॉडकास्ट विल कंटिन्यू टिल यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। एंड अनदर थिंग इज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन and subscribe and like my channel and view all the sentences and write them down and you will have good command over your language. So let's start. Tumhe daanta jata hai, you are scolded. Tumhe daanta jata hai, you are scolded. Hame peeta jata hai, we are beaten. Hame peeta ja raha tha, we were beaten. Mujhe ek kitab di jayegi, I will be given a book. इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है, ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर द प्राइज। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। भारत को शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है, इंडिया इज नोन एज अ पीसफुल नेशन। चार टिकटें बुक कर ली गई हैं, 4 tickets हैव बीन बुक्ड। उसे मर्डर के बारे में क्यों नहीं पूछा जाता, व्हाई इज ही नॉट आस्क्ड अबाउट द मर्डर। उसे किसके साथ भेजा गया, whom he was sent with। उसे किसके साथ भेजा गया, whom he was sent with। चाय हर सुबह पी जाती है, tea is taken every morning। दोनों दोषियों की पहचान की जा चुकी है, both the culprits have been identified। क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया है, were they scolded for this mischief। गैंग के मुखिया को 2 बजे मार्केट में देखा गया, द चीफ ऑफ द गैंग वॉज सीन इन द मार्केट एट 2। फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है, द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। मूवी के मेगा हिट होने की घोषणा की जा चुकी है, द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेगा हिट। ये लिखा जा चुका है, इट हैज बीन रिटन। क्या उसे प्यार किया जाता है, इज ही लव। उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, ही इज़ नोन एज अ ग्रेट वॉरियर। उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, दे वेयर ट्रीटेड बैडली। उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, दे वेयर ट्रीटेड बैडली। तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, अ स्पेशल फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू। उसे क्या भेजा गया, क्या उसे भेजा गया, वॉज ही सेंट। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा, पर पहले पैसे दो। आई विल लेट यू लिसन टू द सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी द मनी। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ही डिडंट लेट मी ड्रिंक द वाटर। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, सी डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। ही डिडंट लेट मी ड्राइव द बाइक। मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। आई विल नॉट लेट योर पेन ग्रो। मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा, माई लॉनलीनेस वॉन्ट लेट मी लिव। हम कभी कभी उसे खेलने देते हैं, वी लेट हिम प्ले समटाइम्स। हम कभी कभी उसे खेलने देते थे, वी यूज़ टू लेट हिम प्ले समटाइम्स। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूँ, आई विल नॉट लेट यू डू दिस। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज अप, जिसमें आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। इंग्लिश सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस के द्वारा सीखिए, क्योंकि इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। 5 दिन लगेंगे, इट विल टेक 5 days। 6 साल लगेंगे, इट विल टेक 6 years। 6 साल लगे, इट टुक 6 years। आज सोमवार नहीं है, इट्स नॉट मंडे टुडे। कल छुट्टी थी, इट वॉज ऑफ यस्टरडे। राम को बहुत समय लगा, राम टुक लॉट्स ऑफ टाइम। बारिश कब होगी, वेन विल इट रेन। 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स। 2 मिनट लगे हैं, इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। 2 मिनट लग रहे हैं,
इट्स टेकिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स। परसों छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे आफ्टर टुमारो। आज ओले पड़ेंगे, इट विल हेल टुडे। कल ओले पड़े थे, इट हैड हेल यस्टरडे। बुरी नज़र ना लगे, टच वुड। बुरी नज़र ना लगे, टच वुड। मे आई कम इन या प्लीज कम इन। दोस्तों आप सुन रहे हैं इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को जरूर देखना, ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करने वाला है और आपको इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट बना देगा। क्या उसने मुझे फ़ोन करने दिया? डिड ही लेट मी कॉल द फोन? इसी के साथ दोस्तों अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कुछ फ्रेजेस और idioms के बारे में जानेंगे। जैसे आज कुछ डेली रूटीन फ्रेजेस के बारे में हम जानेंगे। दो फर्स्ट फ्रेज है चीयर अप। चीयर अप का मतलब होता है जैसे चीयर लीडर्स होती है IPL में, वैसे ही चीयर अप, टू मेक हैप्पियर, टू मेक हैप्पियर। दूसरा होता है हीट अप, टू बिकम वार्मर इन टेम्परेचर। वेक अप, स्टॉप स्लीपिंग, गेट अप, टर्न ऑन। किसी मशीन को ऑन कर देना तो हम कहते हैं टर्न ऑन, और किसी मशीन को ऑफ कर देना तो हम कहते हैं टर्न ऑफ। गो आउट, घर से बाहर निकलना, टू लीव द हाउस एंड गो समवेयर। टर्न ऑफ, किसी मशीन को बंद कर देना, जैसे हमने बताया। टर्न अप, किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी वॉल्यूम को बढ़ा देना, टर्न अप, है ना, कहते हैं ना टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप बढ़ा देना, टर्न डाउन घटा देना। फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, कोई ना कोई दिमाग लगा कुछ ना कोई रास्ता निकालना, फिगर आउट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस थे दोस्तों। मुझे आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप लोग ज़रूर से ज़रूर लर्न कर रहे हैं कुछ ना कुछ नया। तो आज की इम्पॉर्टेंट idiom मैं आपको बता देता हूँ। आज की इम्पॉर्टेंट idiom है इन वंस हेड ए, INNONES, इन वंस हेड ए, HEYDAY। हेड ए का मतलब होता है जब हेड ए वाले मतलब किसी के सक्सेस के दिन चल रहे हैं। इन वंस हेड ए, इन योर हेड ए, आपके सफलता के समय, ऐसे जब आपके अच्छे दिन चल रहे हैं। इन फुल गियर, पूरी ताकत के साथ, इन फुल गियर, पूरी ताकत के साथ। होल्ड द फ्लोर, जब कोई एक स्पीकर अकेला बोल रहा हो और सब सुन रहे हैं सारी ऑडियंस, तो कहते हैं द स्पीकर इज होल्डिंग द फ्लोर। स्पिन अ स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी पुटी कथा बना देना, स्पिन अ स्टोरी, कोई कथा बना देना झूठी। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पॉडकास्ट को मैं और भी बेहतर बना सकूं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, आप बेल आइकॉन जरूर दबा देना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग स्माइल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।